वह भी अफगानियों ने आपके मुंह के ऊपर आगे ना चुपेड़े मारी आपके मुंह के ऊपर, वो मूत के गए आपके मुंह के ऊपर, उन्होंने आपको आपकी औकात याद करवाई कि आप एक लंती मुल्क और आपको क्रिकेट खेलना बिल्कुल नहीं आती। अफगान फैन जो है उन्होंने मुझे घेर लिया और मेरे ऊपर हूट किया, मुझे परेशान किया, बाहर गाड़ियों के अंदर उन्होंने इस तरह नारे लगाया, अल्लाह माफ कर, इतने तो इंडिया जीत के भी पाकिस्तान से नारे नहीं लगाता। और भिखारियों कैसा दिया पेंटा, पीएसएल चैलेंज को अफगानिस्तान वालों ने पुश कर दिया भाई। अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तानी टीम को शारजा में जलील कर दिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी टीम को औकात दिखा दिया है कि तुम्हारी औकात सिर्फ तुम्हारी औकात रावलपिंडी स्टेडियम में खेलने वाली है। किनारे पे खड़े हुए हम लोग के बस डूबने के बिल्कुल करीब है और बाकी डूब चुके हैं हम लोग। पाकिस्तानियों सूजी है बर्नोल बेजू 3-0 के लिए तैयार रहो, 2-0 नहीं 3-0, ये 2-0 भी हिस्ट्री क्रिएट किया अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान ने आपको आपकी औकात याद करवाया कि आप हमारे आगे कुछ भी नहीं हो। ये सीरीज हारना किसी जिसको कहते हैं वर्ल्ड कप से हारना कम नहीं है, ये सीरीज बहुत बड़ी पाकिस्तान की डिफीट है, बहुत बड़ी। ये हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से मैच हारेगी, मैच क्या यहाँ पे सीरीज हार गया। ये जो लंती बकवास कर रहे थे ना बैठ के कि अफगानिस्तान को पेल देगी ये यंग टीम, ये पीएसएल का जो टैलेंट है ये बड़ा तबाही मचा देगा, ये कर देगा, एल किया इन्होंने, एल अफगानिस्तान से ये T20 सीरीज हार गया, पहला T20 भी हार गया, दूसरा T20 भी हारे हैं, और अल्लाह पाक की कसम ये जिस तरह हारे हैं ना, लानत है इनकी शक्लों के ऊपर। मेरा दिमाग फट रहा है इस टाइम, मुझे समझ नहीं आ रही करूं क्या यार, कोई बगारती की हद होती है यार, कब जीतना है आपने यार, कब जीतना है आपसे, आपने वो घंटा कंजरो बकरी बाबर आजम बिठाया हुआ पीछे, वो हार रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया से हार रहा है, इंग्लैंड से हार रहा है यार, यार जिम्बाब्वे से जीत जाओ उनसे भी हार जाते हैं, अफगानिस्तान की बात कर लो उनसे भी हार जाएंगे यार, जीतना किससे है, कौन सी टीम बची हुई है जिससे जीत जाओगे, कब किस किससे जीत रहे यही बता दो। और भिखारियों कैसा दिया पेंटा, पीएसएल चैलेंज को अफगानिस्तान वालों ने पुश कर दिया भाई। आजम खान सूर्या कुमार यादव जैसा अच्छा प्लेयर है, जबरदस्त खेलता है, थोड़ा मोटा है लेकिन टैलेंट ज्यादा है उसके अंदर, सूर्या कुमार यादव से कंपेयर कर रहे थे, और ये अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में सेंचुरी बनाएगा, पुश हो गया साला दो मैच में। मैं तो ये सोच रहा हूं कि भाई ये बंदा इतना ज्यादा मोटा है, इतनी महंगाई में पाकिस्तान में आटा तो मिलता नहीं, मुझे पक्का यकीन है ये पुराने टायर काटा होगा। आज हिंदुस्तान की जीत और चाइना की हार हुई है। चाइना की इस हार पे मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, शुभ कामनाएं, शुभ 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 कामनाएं। पीएसएल टैलेंट पुश, पीएसएल टैलेंट सिर्फ चलता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पीएसएल टैलेंट को लेके आओगे ना तो पैकेट में बंद करके लाहौर भेज देंगे। पाकिस्तानियों सूजी है बर्नोल बेजू। अफगानिस्तान वालों ने हिस्ट्री क्रिएट की तो ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की कि नानी का टपाटप कर दिया पाकिस्तान की। रिजवान एंड बाबर कान खोल के सुन लो, बच गए तुम लोग। ऐसे ही देखना चाहता हूं तुम लोगों को, दुनिया में कोई देश नहीं रहा जिसने तुम्हें रगड़ा नहीं, शर्म कर लो यार, मैं सीरियस करके बोल रहा हूं, मैं हंस नहीं रहा हूं। जिम्बाब्वे ने ठोक दिया, इंग्लैंड ने ठोक दिया, न्यूजीलैंड ने ठोक दिया, ऑस्ट्रेलिया ने ठोक दिया, हिंदुस्तान ने ठोक दिया, याद है ना, विराट कोहली 18 बॉलों पे 48 रन, याद है ना, ठोक दिया। अफगानिस्तान ने भी ठोक दिया, क्या हो जाएगा भाई, आदत हो गई आपको। रोदा नहीं है मेरे छोटे बच्चे, रोदा नहीं है, कोई बात नहीं, जिंदगी में देखो दुनिया में कोई ऐसी तो टीम होनी चाहिए जिसे सब ठोके। वो तुम्हारी टीम है। बड़ा मजा आया यार, बहुत दिल टूटा, पिंडी के हीरो, पीएसएल के हीरो जो है शारजा के अंदर सारे जीरो हो गया, कितना बड़ा दिल टूटा है, हम लाखों रुपए खर्च करके टिकट लेके आए हैं 3 मैचों के लिए, और आगे समय क्या मिलता है कि अफगानिस्तान से हम हार रहे हैं, और जो उसके फैंस हैं वो जितना हम पे हूट करते, जितना हमको परेशान करते, हमारे कसम से दिल टूटे हैं। देखिए हम जैसे फैंस हम रो पड़ते हैं, हमारा दिल टूट जाता है जब अफगानिस्तान जैसी कमजोर तरीन टीम को हम दुनिया में पहली दफा T20 मैच जीतने का मौका देते हैं, दूसरा भी आ जाते हैं। कमजोर आप अपनी टीम लेके हैं, अफगान टीम तो कभी कमजोर नहीं रही है। मैं तो वही हैरान हूँ, शेम, पाकिस्तान कितना बड़ा ब्रांड है क्रिकेट का, कितना बड़ा नाम है पाकिस्तान का, और जीरो पे अफगानिस्तान के अगेंस्ट हम दो खिलाड़ियों को आउट करके तो क्या मैसेज दे रहे हैं, हम कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनको नहीं पता कि पिंडी की विकेट और यहाँ की विकेट कितनी कितना डिफरेंस है। अफगान फैन जो है उन्होंने मुझे घेर लिया और मेरे ऊपर हूट किया, मुझे परेशान किया, बाहर गाड़ियों के अंदर उन्होंने इस तरह नारे लगाया, अल्लाह माफ कर, इतने तो इंडिया जीत के भी पाकिस्तान से नारे नहीं लगाता। मतलब ये मैच तो इधर खत्म हो जाते, सोशल मीडिया पे एक नई जंग चढ़ जाती है और हमको बहुत परेशानी उधर होती है, ग्राउंड में तो हम चले जाते, चलो जो भी है रोल धोल के चले जाते, लेकिन फिर सोशल मीडिया पे जो ताने, जो गालियां, जो हमने सुननी पड़ती है, इसीलिए मैनेजमेंट को
जिसने भी किया है अल्लाह उससे पूछे। एक रमजान है ऊपर से बहुत मुश्किल है, उधर अफ्तारी का टाइम होता है, इधर से ग्राउंड में पहुंचो, इतना टाइम दे दो, सबको डिस्टर्ब किया है तीन मैचों ने और फिर भी हम टाइम दे रहे हैं। लेकिन किनारे पे खड़े हुए हम लोग के बस डूबने के बिल्कुल करीब है और बाकी डूब चुके हैं हम लोग। साढ़े कुल यकीन हो कि मुल्क महंगाई पिछे आप आटे ने बेड़ा गर्क करता साडा और इतने तुम साडा बेड़ा गर्क करता साढ़े तो रहम करो। असं उत्थे भी लुटी के आए उतु दौड़ेंगे कोई अच्छी हल्की बल्कि खुशियां इतने लाँगे इतने भी साड़ी आत्मा।